हेलो गाइस, दिस इज़ माय न्यू वीडियो। आज हम रसायन विज्ञान में एक टॉपिक आता है डिकम्पोजिशन, यानी कि अपघटन किसी चीज़ का। आज हम क्या करेंगे, जैसे हमने हमारे सामने आपको वीडियो में दिख रहा होगा, कैंडल है, माचिस है और थोड़ी सी एक चम्मच में हमारे पास शुगर है, चीनी है। चीनी सब लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं तो सब जानते होंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे चीनी को, तब इसका देखिएगा कि बिहेवियर कैसा होगा। तो हमने जैसे पहले कैंडल जलाई और अब हम इसको गर्म करें शुगर को चम्मच में लेके, तब देखिएगा क्या होता है। थोड़ा देर गर्म करेंगे, अच्छा जब गर्म हो जाएगा तब आप देखिएगा क्या अंतर आता है शुगर में। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं, चीनी पहले पिघलेगी, उसके बाद फिर जलेगी। तो जलने के बाद वहाँ क्या होगा वो हमें इसमें देखना है एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि चीनी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, C12H22O11 होता है। अब जब उसमें डिकम्पोजिशन होगा तो वो किस किस चीज़ में विघटित होगी, डिकम्पोज होगी, वो हम देखेंगे। सो जैसे अभी देख रहे हम, तो अगर हमने पढ़ा होगा रसायन विज्ञान में तो हम देखेंगे कि कार्बन प्लस उसको देखिए गाइस, अब हमने उसको थोड़ा काफ़ी हीट किया 2-4 मिनट, तो हमने क्या देख रहे हैं कि हमें वाटर और ब्लैक कलर ब्राउन चीनी जलने के बाद हमें कार्बन ब्लैक के थोड़ा रेडिश और ब्लैक दिख रहा है, वाटर के वेपर्स दिख रहे हैं। तो ये क्या मतलब हुआ, शुगर का डिकम्पोजिशन हुआ किस किस में, कार्बन प्लस वाटर में। अब आप जैसे ही और गर्म करते जाएंगे ब्लैक कलर का होता जाएगा, देखिए ये बहुत डार्किश हो रहा है, ब्राउनिश हो रहा है, और धीरे धीरे और जलाएंगे इसको तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, कार्बन बचेगा और वाटर बचेगा बस, और वाटर वेपर्स उड़ भी जाएंगे क्योंकि ज़्यादा हीट करने पर। सो दिस इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए अब बिल्कुल कार्बन ब्लैक हो गया है और बाकी पानी भाप बन के उड़ भी गया है वाटर वेपर्स के रूप में। सो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी कि किसी चीज़ का कंपोनेंट्स में विघटित होना। सो इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you.